इंटर स्टेट को पार करते हुए झारखंड से हम बिहार में आए हुए हैं और अभी हम बिहार के काफ़ी ऐतिहासिक शहर भागलपुर में हैं और हमारे साथ में आज मोहित सिन्हा जी हैं और मोहित सिन्हा जी की टाटा की टियागो है और ये XT मॉडल है और इस कार को परचेज की हुए मात्र 1 महीना ही हुआ है। हालांकि बहुत ज़्यादा इनका इस कार के साथ में एक्सपीरियंस नहीं रहा है, लेकिन इनका जो बाइंग एक्सपीरियंस है, इस कार को ख़रीदने से पहले इन्होंने कौन कौन सी गाड़ियों का रिसर्च करा था, सारा चीज़ इनसे जानेंगे और इन 1 महीनों के दौरान इनका क्या एक्सपीरियंस इस कार के साथ में रहा है। तो मोहित जी, सबसे पहले तो हमारे वीडियो में आपका स्वागत है और बताइए सर, इस कार को आपने क्यों ख़रीदा और इस कार को ख़रीदने से पहले आप कौन कौन सी गाड़ियों पर विचार कर रहे थे और कौन कौन सी गाड़ियां आपने देख रखी थी? देखिए, कार लेने का तो ऐसा मेरा कोई मूड था नहीं। एक्चुअली एक बार हुआ क्या कि एक छोटा सा कहानी था कि बाईपास के तरफ से हम भागलपुर से आ रहे थे और एक डैटसन का शोरूम था वहाँ पर, पानी पड़ रहा था तो सोचे कि चलो कहीं चला जाए बैठने के लिए, 5-10 मिनट के लिए पानी छूटता है, तो डैटसन का शोरूम है, मुझे सही लगा, वहाँ गए, गाड़ी देखे, पसंद आया, लेने का मूड भी बना, जिस रेंज में हम चाह रहे थे उस रेंज में हमको मिला। तो फिर आजकल तो यूट्यूब पे सारा चीज़ रहता है, तो घर पर भी आकर के हम सारा चीज़ का देखें, तो मुझे वैसा कुछ फील नहीं हुआ कि बहुत लोग मना किया कि डैटसन का मत लो गाड़ी, तो फिर हम दिमाग लगाना छोड़ दिए। उसके बाद फिर मेरा दिमाग गया रेनो क्विड पे, हाँ क्विड का भी काफ़ी अच्छा था, मेरे एक बगल में भैया भी लिए हुए, उनका टॉप मॉडल लिए हुए हैं, तो क्विड भी देख रहे कि शहर में ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन कोई बताया मुझे कि उसका इंजन चैम्बर जो है वो प्लास्टिक का आजकल दे रहा है, तो प्लास्टिक का दे रहा है, तो उस चीज़ पर लेकर के हम मुझे थोड़ा सा ना अंदर से क्या बोलते हैं कि डर फील हो गया कि कहीं रोड पर लेकर के जा रहे हों और कहीं अगर लग गया तो एक सबसे बड़ी समस्या हो जाएगा जो है। तो क्विड भी लगभग ऑलमोस्ट था कि एकदम डन ही था उसकी कि उसको लेना है। उसके बाद फिर एक मेरा मित्र हमको बताया कि भाई तुम गाड़ी का देख ही रहे हो तो एक काम करो, टाटा टियागो देखो। तो टियागो पे फिर धीरे धीरे रिसर्च करते करते यूट्यूब पे सारा वीडियो देखें, अतिन कार करके है, उसके बाद हैरी ढिल्लन जी का है, फिर उन लोग का वीडियो देखें, उसके बाद एक दिन आपका वीडियो मुझे मिला RKM मोटो ब्लॉग्स करके, तो गाड़ी में क्या प्रोस एंड कॉन्स है, NVH वाला वीडियो भी आपका देखें, तो क्योंकि एक चीज़ हमको डर लग रहा था कि जो है गाड़ी में वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा, ये है BS4 में है, ये चीज़ को हम भी मानते हैं, लेकिन अभी जो BS6 है उसमें बहुत हद तक कंट्रोल हो गया, 5% ही कुछ कमी रह गई होगी, और जो लोग बोलते हैं ना कि गियर बॉक्स में जो थोड़ा वाइब्रेशन वगैरह था, ऐसे इस गाड़ी में कुछ नहीं है। आप चलाइएगा अभी, अगर आप गौर से भी देखिएगा तो वैसा आपको जरा सा भी हिलता हुआ नजर नहीं आएगा। कि आप जितना पैसा लगाइएगा, जितना चीनी दीजिएगा, चाय उतना मीठा होगा, बात तो खैर सही। और जो लोग कहते हैं कि वाइब्रेशन वगैरह ये है कि इंजन बहुत आवाज़ दे रही है, तो एक सिंपल सा हम बात कहना चाहेंगे कि लोग लैम्बोर्गिनी खरीदते हैं, बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स कार खरीदते हैं, स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल खरीदते हैं, सुपर बाइक खरीदते हैं, तो लोग उसको इसलिए खरीदते हैं कि उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड होती है, और आवाज़ के लिए लोग 1.5-1.5 लाख रुपये का एग्जॉस्ट बाद में आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवाते हैं। लैम्बोर्गिनी की को लिए लोग चलाने के लिए नहीं लेता, जितना उसको शो ऑफ और उसको आवाज़ के लिए लेता है, जरी सी गाड़ी आवाज़ आपकी कर गई तो आप तो बाल का खाल नोच रहे हैं। इंट्री लेवल कार जो हैचबैक टाटा की है ये टियागो, आपको वैसा फील नहीं होगा कि अंदर में बैठने के बाद कि ये गाड़ी इंट्री लेवल है, इसका जो आपका इंटीरियर में जो प्लास्टिक वगैरह दिया हुआ है वैसा कोई भी आपको नहीं बुझाएगा कि हम एक इंट्री लेवल हैचबैक में बैठे हुए हैं। गाड़ी अंदर से प्रीमियम लुक लगती है, सीट कवर अच्छा डलवा लीजिए, मैट बढ़िया दिलवा लीजिए, गाड़ी आपको लगेगी ही नहीं कि हम 5-6 लाख की रेंज के गाड़ी में बैठे हुए, लगेगा कि हाँ हम कुछ एक क्लास में बैठे हुए हैं। AC की बात की जाए गाड़ी की, तो गाड़ी का AC बहुत ज़्यादा कूल करता है, और अगर आप कहीं 60-70 किलोमीटर जा रहे हैं और 4K स्पीड पर अगर आप AC चलाइएगा कंटिन्यू, तो हो सकता है कि आपको कंबल भी ओढ़ना पड़ जाए। अच्छा, माना जाता है कि टाटा की गाड़ियों में जो फैन की स्पीड है या ब्लोअर की जो साउंड है वो ज़्यादा आती है, आपको ऐसा कभी महसूस हुआ है? एक या दो पे नहीं, वैसा नहीं बुझाता है, लेकिन सिर्फ 4 पे जब जाएगी तो 4 पे तो जब कोई भी चीज़ को हम हाई स्पीड में करेंगे तो उसका आवाज़ तो आएगा ही। दूसरी चीज़ है कि मैं ये तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो आपकी टियागो है या फिर टिगोर है, इसमें जो फैन की जो स्पीड है वो अगर 1 में रखते हैं तो वो आपको ज़्यादा कूल करेगी इन कंपैरिजन ऑफ अदर कार्स। मतलब मेरे पास ह्युंडई की एलीट i20 है, अगर मैं उसकी फैन की स्पीड को अगर 1 पर रखता हूं तो मेरी कार ठंडी ही नहीं होगी। जब तक मैं उसको 2 या 3 पर नहीं ले जाता हूं तब तक मेरी कार ठंडी नहीं होती है। कि अगर आप नाइट में इस कार को चला रहे हैं तो आपको किसी तरह से लाइट से कोई प्रॉब्लम, लाइट ड्राइविंग में प्रॉब्लम नहीं?
जैसे नीचे में जो फॉग लैंप होता है वो होना चाहिए, जो उस चीज का कमी थोड़ा सा लगता है। और जैसे कि अब जो नई गाड़ी में आ रही है इसमें क्या कि हैलोजन दिया, जो आजकल प्रोजेक्टर लैंप आ रहा है, एलईडी वाला आ रहा है, वो एक चीज का कमी है, लेकिन फिर भी लाइट वैसा कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सफिशियंट है। इन केबिन फील की बात करें तो ये छोटी हैचबैक कार है, क्या 5 लोगों के लिए सफिशियंट है? आराम से अगर आप आगे बैठते हैं तो आप जैसा देखिएगा कि जो पैर रखने का जगह है, फैलाने का जगह है, आप आराम से पैर फैला सकते हैं। अगर सीट पीछे भी है तो अगर पीछे वाला भी आदमी, अगर जैसे हम लोग का जो फिजिक है पतले दुबले आदमी टाइप के, 5 अगर बैठ करके जाते हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो हम लोग रिसेंटली एक मेरा मित्र था तुषार, अभी भागलपुर में ही रहता है, तो उसके कोई आने वाले थे बेंगलोर से पटना, तो हम लोग 5 आदमी आने वाले थे, तो हम लोग सब इसी कार में आए गए, पीछे डिक्की में भी सामान सारा रखाया, कहीं कोई ऐसा दिक्कत नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और गाड़ी में सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि स्पीड जब चलती है तो और ज़्यादा चिपक के चलती है, आपको ये नहीं फील होगा कि आपकी गाड़ी रोड छोड़ रही है जब आप स्टीयरिंग काटते हैं। तो इस कार में आपको सबसे बढ़िया क्या चीज़ लगा? अगर सबसे बढ़िया अगर कुछ बात किया जाए जिसमें 10 out of 10 का अगर हम देते हैं तो वो इसका स्टीयरिंग एकदम पानी है, जिसको आप कहते हैं ना कि अगर आप टाउन में चलाओगे तो लगेगा कि मक्खन पे आप ब्लेड मार रहे हो, लेकिन जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ते हैं, आप 70-80 की स्पीड में बढ़ते हैं, तो स्टीयरिंग धीरे धीरे स्टेबल होकर के हल्की टाइट हो जाती है, मतलब आप हाईवे पर जा रहे हैं तो आपकी गाड़ी इधर उधर भी नहीं भागेगी। अभी एक मेरे भैया भी गाड़ी लिए हैं वैगनार, अभी BS6 मॉडल लिए हैं रिसेंटली, अभी 17 सितंबर को लिए हैं विश्वकर्मा पूजा में। क्या सीटिंग कैपेसिटी, तो लगभग तो सबका सब गाड़ी का सेम ही होता है, 5 सीटर ही रहता है, लेकिन जो कंफर्ट फील जो इसमें आया है मुझे बैठने के बाद में, वो उसमें हमको नहीं भुजाता है। गाड़ी का दाम एक ही है, 5-72, 5-74, उसका भी VXI आ रहा है, लेकिन जहाँ तक बात है सेफ्टी के मामले में तो मारुति आपका वैगनआर तो पूरा दुनिया ही जानता है कि उसको कितना सेफ्टी रेटिंग मिला हुआ है। बात किया जाए टियागो की, तो टियागो के बारे में हर कोई जानता है कि ग्लोबल एनकैप में टाटा की एक यही गाड़ी है 5 लाख से 6 लाख के रेंज में, कि जो कि 4-स्टार रेटेड है एडल्ट सेफ्टी के मामले में। बाद बाकी अगर कोई और गाड़ी है तो आप मुझे बताइए इस रेंज में। 6 लाख से नीचे के प्राइस सेगमेंट में 4-स्टार रेटेड सेफ्टी रेटिंग्स के साथ में केवल और केवल टियागो आती है। इसके अलावा कोई भी ब्रांड के पास में कोई कार नहीं है। और जहां तक हमने भी ऑब्जर्व किया है कि जो रियर सीट का जो कंफर्ट है, या 3 लोगों की जहां तक बैठने की बात है, तो जो वैगनार है उस वैगनार की तुलना में टियागो में आपको बेहतरीन मिलेगा। 4-स्टार रेटेड कार है, तो जब आप हाईवे में चल रहे हैं तो एक्चुअली में गर्व महसूस होता है कि हम एक सेफ कार में चल रहे हैं। एकदम जरूर सेफ कार, और सबसे बड़ी चीज़ क्या कि अपने देश की बनी हुई कार है। और टाटा का लेने का मूड इसलिए बना कि रतन टाटा ने जितना अभी कोविड के टाइम में डोनेट अपने भारत में किया है, तो उस चीज़ को लगा कि जब वो कर सकते हैं हम लोग के लिए, तो हम उनके लिए कुछ क्यों ना कर सकते हैं। और इस गाड़ी को लेने का अगर सबसे बड़ा रीज़न अगर कुछ है तो इसका म्यूज़िक सिस्टम, क्योंकि म्यूज़िक के हम बहुत बड़े फ़ैन हैं। मेरे घर में होम थिएटर भी है, पुराना से पुराना स्टीरियो सिस्टम भी आज से जो 20 साल पहले आइवा कंपनी का आता था, तो गाना का और म्यूज़िक का फ़र्क मुझे बहुत ज़्यादा है। और जितनी भी गाड़ी में मैं बैठा हूँ, बहुत लोग सोनी का डबल डिन लगवा लिए हैं, निपॉन का स्पीकर या फिर पॉइनियर का स्पीकर, ये वो फील आज तक मुझे किसी भी गाड़ी में नहीं मिला म्यूज़िक सुनने के बाद में, जो इस गाड़ी में मिला है। अगर कोई अगर ट्रू म्यूज़िक लवर है, जिसको म्यूज़िक का जरा सा भी ABCD Z तक मालूम है, और वो इस गाड़ी में बैठेगा तो उसको फील नहीं होगा कि वो 5 से 6 लाख के रेंज में बैठा हुआ है, और उसी गाड़ी का ये म्यूज़िक सिस्टम है। ये तो मेरी XT है, आप XZ में बैठ जाइए, इससे मच बेटर आवाज़ आपको XZ में मिल जाएगा। फ्रेंड सर्किल में या रिश्तेदार के बीच में जब आप बैठते हैं तो जाहिर सी बात है कि कभी गाड़ियों की चर्चा जरूर चलती होगी, तो आप सीना तान के कहते हैं कि ये मेरी कार जो है वो 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग्स के साथ में है। कि ग्लोबल एनकैप के बारे में पहले मुझे नहीं पता था कि ग्लोबल एनकैप क्या होती है, जब यूट्यूब पे सर्च किए और गाड़ी के बारे में मालूम पड़ा कि एक संस्था है जो कि गाड़ी के सेफ्टी को टेस्ट करती है, और पता चला कि टियागो जो हमने लिया है वो 4-स्टार रेटेड है, तो एक फील तो जरूर आता है। अगर कोई पूछता है कि मेरी गाड़ी वैगनआर लिए हैं, मेरे भैया भी एक रिसेंटली वैगनआर लिए हैं, तो हम सिर्फ उनसे एक ही चीज़ पूछे कि भैया वैगनआर आप ले रहे हैं, कोई दूसरा भी आप ट्राई कर सकते हैं टाटा में, नहीं तो हम टाटा नहीं लेंगे। इंसान को अपना एक शौक होता है, शुरू से कीड़ा काटा होता है कि मुझे ये लेना है। हर का एक कस्टमर का एक अलग अलग फैन लेवल होता है, अपना फैन बेस होता है हर कंपनी का, कि कोई मारुति को ज़्यादा लाइक करता है, कि हुंडई को ज़्यादा लाइक करता है, और मेरा वैसा कुछ नहीं था। अगर हमको मारुति में 5-स्टार रेटेड मिल जाता तो मैं 5-स्टार रेटेड मारुति। मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जिनको फीचर से मतलब है, फीचर से मतलब है। और इस गाड़ी में जितना फीचर्स आपको मिल रहा है, ABS, EBD,
सीएससी, हाँ सीएससी हो गया, डुअल एयरबैग हो गया। इस कार की तुलना आप किस कार के साथ में करना चाहेंगे? डैटसन को देखिए, वो भले जापान की कंपनी है लेकिन जब आप उसको दरवाजा खोलिएगा और उसके सीट पे देखिएगा तो एक लगेगा ना कि ऑटो रिक्शा का सीट कोई लगा दिया है उस पर, मतलब बेंच फीलिंग आता है। वो बेंच आपको वो फील नहीं आएगा लग्जरियस टाइप का जो कि इसके सीट में आपको मिलता है, क्योंकि गाड़ी का इंजन क्या है नहीं है उससे मतलब नहीं है, मतलब होता है कि जब अंदर हम बैठ रहे हैं तो वो फीलिंग कैसा आता है बैठने के बाद में। आप इसमें बैठिएगा, आप लंबा सफ़र में भी जाइएगा तो आपको पीठ में जो दर्द होता है, थकावट, थकान, ये सब आपको नहीं बुझाएगा। इन अच्छाइयों के बाद क्या चीज़ ऐसी आपको लगी है जो अच्छी नहीं है टाटा के बारे में? वैसा तो अभी तक इस गाड़ी में कुछ फील हुआ नहीं है। हाँ, एक चीज़ क्या ना कि थोड़ा सा जैसे कि आप शहर में चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, जैसे भागलपुर में आजकल ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा ये लोड बढ़ गया है, तो वहाँ पर कार का माइलेज 8-10 यही रहता है। जैसे लोग बहुत लोग बोलते हैं कि 14-15 मेरी गाड़ी दे रही है, तो वो 14-15 अभी तक मुझे मिला नहीं है जो कि फर्स्ट सर्विसिंग हो चुका है। लेकिन हाँ, जहाँ तक बात है हाईवे की, तो अभी रिसेंटली मैंने समस्तीपुर का एक टूर बनाया था, तो वहाँ पर मेरी गाड़ी 17 की एवरेज हमको दी और 17 की एवरेज टैंक टू टैंक में मुझे मिला। MID में उस समय मुझे 20 का शो कर रहा था, तो 20 का शो कर रहा था तो हमारे ऐसा जान रहे थे कि अगर लिख रहा तो 2-3 किलोमीटर कोई मायने नहीं रखता है, माइलेज और ज़्यादा इम्प्रूव होगा। क्योंकि कुछ जगह पे बीच में हम थोड़ा ट्रैफिक में भी फंस गए थे, बेगूसराय, भागलपुर से बेगूसराय के जाने में जब आप खगड़िया पार करते हैं तो रोड का कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, अगर वो सही रहता तो हो सकता था कि ये गाड़ी 20 के भी एवरेज मुझे मिल जाता इससे। अच्छा, आप चाह के भी माइलेज मतलब ट्रैफिक में नहीं निकाल सकते हैं। जहाँ तक है माइलेज हाईवे की, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस ढंग से उस कार को चलाते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग माइलेज निकाल सकते हैं। फर्स्ट सर्विस अभी हुई है और 17 का माइलेज ठीक है, और आप कुछ दिन चलाइए, जैसे जैसे आप इस गाड़ी को यूज हो जाएंगे तो इससे आप और माइलेज निकाल सकते हैं। और कोई नेगेटिव पॉइंट ऐड करना चाहें? नेगेटिव पॉइंट थोड़ा बहुत अगर कहा जाए तो लेटेस्ट ट्रेंड में चला है प्रोजेक्टर हेडलैम्प, वो कम से कम एक होना चाहिए। XT मॉडल में तो नहीं, कम से कम इसका जो टॉप वेरिएंट है टॉप में भी पहले BS4 में शायद आती थी। हाँ, और रही बात की आप यहाँ पर फॉग लैंप लगवा सकते हैं तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा आपका। फॉग लैंप ये लगा हुआ होना चाहिए क्योंकि अगर कंपनी अगर खुद से लगाती है तो वो लोग तो बल्क में खरीदती होगी किसी भी कंपनी से, तो वो एक लगाने में कोई बहुत बड़ा ज्यादा उनका खर्च आता नहीं। देने की लोग के मन में एक मिथ बैठ गया है, र्यूमर भी मार्केट में फैल रहा है ना कि टाटा की गाड़ी के जो क्रेज़ है वो अभी भी लोग नैनो को और इंडिका को लेकर के कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन अब ये लोग नहीं जान रहे हैं कि टाटा अब क्या चीज़ है। अब टाटा को अगर आप देखिएगा वर्ल्ड वाइड में तो जगुआर, लैंड रोवर सब टाटा की ही ब्रांड है। आप टाटा की गाड़ी के देख लीजिए, आपको क्या बोलते हैं कि अभी जो नई गाड़ी आई है इसका हैरियर में ऐसा कौन सा फंक्शन है इसको छोटा लैंड रोवर कहा जाता है। रेंज रोवर का जो D8 प्लेटफॉर्म उसको यूज करते हुए हैरियर को बनाया, हैरियर को लॉन्च किया है कि इस गाड़ी को अगर आप स्विफ्ट से कंपेयर कीजिएगा उस रेंज में, अगर स्विफ्ट का अगर आप VXi लेने जा रहे हैं और आप इसको लेने जा रहे हैं तो दोनों में ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है कि जो इसमें है और उसमें नहीं, और उसमें है तो इसमें नहीं है। आप म्यूजिक सिस्टम का बात कर लीजिए तो टॉप क्लास का म्यूजिक सिस्टम इसमें मिलता है। आपको फील नहीं होगा कि हम एक 5 लाख या 6 लाख के रेंज की गाड़ी में बैठे हुए हैं और म्यूजिक सिस्टम इतना अच्छा निकल, मतलब आपको पास ट्यूब लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तक बात है गाड़ी के परफॉर्मेंस का, तो मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है गाड़ी चलाने में, अभी तो 1 महीना हुआ ही है, लेकिन हाँ जितना दूर हम चला करके गए हैं, समस्तीपुर गए हैं, पटना गए हैं, मतलब गाड़ी को मतलब समझ लीजिए कि आप 70-80 पे अगर क्रूज कर रहे हैं तो आपको एक्सेलेटर छूने की जरूरत नहीं है, बस हल्का स्लाइटली टच करना है और इतना बेहतरीन माइलेज निकाल करके गाड़ी देती है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन पॉइंट क्या है ना, एसटी के एक साथ में लगा हुआ है कि अगर आप गाड़ी को जहाँ रेव करना शुरू कर दिए, 120 पे ले जा रहे हैं, थर्ड गियर में बहुत ज़्यादा टान रहे हैं, गियर रेशियो मतलब आपका सही नहीं है, आपका ड्राइव जो है वो अप डाउन गियर रेशियो सही नहीं, तब वहाँ पे गाड़ी माइलेज थोड़ा सा ड्रॉप होता है। लेकिन ऐसे अगर आप स्लाइटली अगर आप जेंटल वे में चला रहे हैं तो गाड़ी के माइलेज नो डाउट बहुत बढ़िया है। और अगर कुछ लोग अगर अच्छा चीज़ अगर लेने की कोशिश कर रहे हैं ना तो लोग उसको बहुत डिस्ट्रैक्ट करते हैं, गाड़ी ले रहे हो तुम, हाँ बाद में बेचने जाओगे तो ये दाम नहीं मिला। अरे पहले 5 साल तो बढ़िया से चला लीजिए भैया, उसके बाद तब बेचिएगा, रीसेल वैल्यू उनको क्या मिलेगा। पहले आप गाड़ी का मजा लीजिए, गाड़ी से आप इतना चला लीजिए कि उसको आपको बेचने का मन न करे, या फिर दूसरा गाड़ी खरीदे तो वो गाड़ी आपके साथ में रहे। दूसरी बात है कि अगर आदमी को रीसेल वैल्यू इतना ही मायने रखता है तो फिर आपको सेफ्टी को देख लीजिए ना कि जिस रेंज में टियागो मुझे मिली है, मुझे ऑन रोड हमको झारखंड से मैंने गाड़ी परचेज किया था, 5,74,000 रुपये मुझे ऑन रोड पड़ा है
और 5,74,000 में ऐसी कौन सी गाड़ी है जो कि ग्लोबल एनकैप में 4-स्टार रेटेड लाई है? अगर कोई है तो उसका लिस्ट का नाम बताइए हमको। कि 5,74,000 रुपया XT मॉडल का ऑन रोड हमारे झारखंड में ये पड़ी है, और इस प्राइस में अगर 4-स्टार रेटेड कोई कार है किसी अदर कंपनी में, किसी अदर कंपनी तो बताए। ऐसा नहीं है कि टियागो लेने से पहले हम अचानक मेरा प्रोग्राम बना और मैं टियागो के लिए खरीदने के लिए सही ये हो गया। बहुत सारी गाड़ी देखा, बहुत सारा रिसर्च किया यूट्यूब पे, और लेकिन सबसे लास्ट में जो वीडियो मैंने देखा था वो RKM ऑटो ब्लॉग जो कि आपका है, जो आप एक गाड़ी धनबाद या सत कहीं से डिलीवर धनबाद से, तो वो गाड़ी लेने के बाद फिर आप उनका फिर एक रिव्यू वाला वीडियो भी किए थे। हाँ। तो उसको देखने के बाद मुझे संतुष्टि लगा कि नहीं चलो गाड़ी अब हम ले सकते हैं, थोड़ा हमको अंदर से कॉन्फिडेंस जगा आपका वीडियो देख के। झारखंड में रजिस्ट्रेशन जो हमको लगा वो 30,000 रुपये पड़ा, बिहार में रजिस्ट्रेशन 60,000 रुपये पड़ रहा था, इंश्योरेंस में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था। मतलब समझ लीजिए कि बिहार और झारखंड को अगर हम कंपेयर करते हैं तो 50,000 रुपये हमको वहाँ सस्ता पड़ा। सीधी सी बात करें तो हमारे झारखंड में जो RTO जो चार्जेज हैं वो 6% लगते हैं, जब बिहार में जो RTO चार्जेज हैं वो 9% लगते हैं। कि हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली हैं और मिडिल क्लास फैमिली एक एक रुपया को जोड़ करके अपना सेविंग्स को अपना जमा करके अपना शौक पूरा करता है, और जहां पर 50,000 रुपये की बात आती है तो फिर तो स्टेट स्विच करने में क्या दिक्कत है। टाटा के विषय में कहा जाता है कि जब भी आप कार खरीदने जाओ तो शोरूम का एक्सपीरियंस लोगों के साथ में काफ़ी बुरा होता है। एक्सपीरियंस वैसा कोई खास बुरा नहीं था, गए तो वहाँ पे सब वेलकम के लिए जो ड्रिंक वगैरह होता है वो मिला था, चाय कॉफ़ी ये सब चीज़ पूछा गया था, ठंडा पानी दिया गया था। हाँ, ये था क्या कि जो शोरूम से जो हम लोग लिए थे गाड़ी, ये गाड़ी तो शोरूम इसके दुमका की है, गाड़ी हमने डिलीवरी लिया था गुड्डा से। तो जो वहाँ जो तिवारी ऑटोमोबाइल्स है वो उसी का वहाँ पे छोटा सा अपना सेल काउंटर खोल करके रखा है, लेकिन जो बड़ा शोरूम का एक्सपीरियंस होता है वो इस शोरूम में मुझे नहीं मिला। लेकिन मुझे गाड़ी लेना था, हम लोग को जो गाड़ी दिए थे वो रुपेश सिंह करके हैं, काफ़ी अच्छे बिहेवियर है और हर चीज़ के लिए वो हेल्पफुल रहते हैं। जो भी चीज़ उनको बोला जाता है, जैसे कि मेरा गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं मिला था, उन्होंने मुझे बाइक कोरियर पहुंचाया, कोटेशन ओरिजिनल बैंक वाला मांग रहा था, वो बाइक से अपने से आ करके कोटेशन पहुँचाए। अच्छा, टाटा मोटर्स के विषय में एक चीज़ है कि आफ्टर सेल सर्विस बहुत बुरी स्थिति है। अभी रिसेंटली मैंने कुछ दिन पहले मेरा पहला सर्विसिंग का ड्यू डेट आ गया था, तो उस पर हम सोच रहे थे कि कैसे जाएंगे, क्या करवाना है, तो हम कॉल किए वहाँ पे शोरूम में कॉल किए, तो उन्होंने बोला कि आपका सर्विस सेंटर तो फलना जगह है, आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। 5 से 10 मिनट के अंदर में तुरंत में 3-4 कॉल आया वहाँ से, एक अंजलि मैम थे बैठती हैं, और हम शाम में 5 बजे कॉल किए थे, बोल दी थी कि उनके मैडम कि हमको बाहर जाना है उस दिन और सर्विसिंग भी करवाना ज़रूरी है क्योंकि ड्यू डेट हो गया है और मेरा किलोमीटर ज़्यादा चल जाएगा अगर हम चला करके आते हैं। तो ठीक वो 9:30 बजे का मेरा अपॉइंटमेंट लगा करके मेरे मोबाइल पे मैसेज आ गया कि योर सर्विस हैज़ बीन बुक्ड। सुबह में भी हमको कॉल करके कि मोहित जी आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आपका सर्विस बुक कर दिया गया है। जैसे गए वहाँ पे तो सारा चीज़ मेरा गाड़ी को वॉशिंग पे चढ़ाया, धुलना पोछाना जितना भी होता है वो सब चीज़ सारा, पहला एक्सपीरियंस था, कोई बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं था और फर्स्ट मतलब सर्विस में कुछ होता नहीं है, जनरल चेकअप होता है, गाड़ी वॉश हो जाता है। एक चीज़ हम अगर जो मेरे वीडियो हैं अगर वो शोरूम वाले अगर मेरा देखेंगे भागलपुर में, तो एक चीज़ हम कहना चाहेंगे कि जिस तरह से ह्युंडई में जाइएगा, मारुति में जाइएगा, तो गाड़ी को वॉशिंग करवाने के बाद में थोड़ा पॉलिश वगैरह बहुत अच्छे से मारता है, डैशबोर्ड पे अच्छा क्वालिटी का क्या बोलते हैं डैशबोर्ड क्लीनर वगैरह होता है या डैशबोर्ड साइनर होता है, वो सब थोड़ा कमी था वहाँ पे। हम फीडबैक में भी उनको हम बोले कि सर हम आपका शिकायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को थोड़ा सा सुधारने का कोशिश कीजिए तो और मज़ा आ जाएगा। छोटा छोटा कमी है जिनको इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, जैसे कि गाड़ी वॉशिंग होने के बाद में जो प्रेशर से हम लोग करवाते हैं, एयर ड्राई करवाते हैं वैक्यूम से या ब्लोअर से, वो चीज़ नहीं किया, बाहर में बॉडी में पॉलिश नहीं मारा था। और लेकिन वैसा क्या था ना कि हमको भी बाहर निकलना था, तो हम सोच रहे थे कि बाहर निकलेगा गाड़ी तो फिर गंदा होगा, इसलिए हम ज़्यादा दिमाग लगाए नहीं। तो उसके बाद हम अपना ही पॉलिश खरीद लिया, हमको अब किसी से मतलब नहीं कि कोई मेरा पॉलिश करे नहीं करे, मेरे गाड़ी में सारा चीज़ व्यवस्था रहता, मतलब अपना व्यवस्था खुद लेके चलना। इवन मेरे पास में प्रेशर वाशर मशीन भी है, हमने अपने खरीद करके रखा, जब मुझे गाड़ी धोने का रहता बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, तार लगाएं घर के बगल में गाड़ी लगा के सारा अपने से सर्विसिंग कर लेते हैं। टाटा कंपनी के पास में भी सारा रिव्यू जा रहा है, लोग का फीडबैक जा रहा है कि ये चीज़ का प्रॉब्लम है, तो टाटा ने इस चीज को सुधारा है, झूठ नहीं कहेंगे, टाटा ने इस चीज को सुधारा है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो लोग बोलते हैं कि इंजन में बहुत ज्यादा आवाज आती है, वैसा कुछ आवाज नहीं है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, प्रेम से चला रहे हैं, शीशा आपका लगा हुआ, एसी चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है, थोड़ा बहुत तो हल्का फल्का आवाज आपको वो भी नहीं सुनाई पड़ेगा। टाटा का इंजन हो चाहे किसी का भी, थ्री सिलेंडर का जो नेचर है वो मिलेगा। जैसे जैसे कार आपके साथ में रहती है, हम आपके टच में जरूर रहेंगे, और टियागो
के साथ में आपका क्या एक्सपीरियंस रहता है, इन फ्यूचर क्या दिक्कतें आ रही हैं, हम आपसे जानने की कोशिश करते रहेंगे। सबसे पहले तो आरकेएम ऑटो ब्लॉक्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि राजेंद्र सर एक वीडियो बनाने के लिए रांची रामगढ़ से 400 किलोमीटर का सफ़र तय करके मेरे शहर भागलपुर में आए हैं। ये एक बहुत बड़ी गर्व की बात है और इनका मेहनत देख करके ऐसा लगता है कि चलिए ये जीवन में आगे कुछ और अच्छा करेंगे। जिस तरह से मैंने आपका वीडियो देखा, मुझे जो संतुष्टि मिली आपके वीडियो देखने के बाद में, लास्ट वीडियो जो स्टॉप करते हैं कि अब मेरा सर्च ख़त्म हो गया है, वो आरकेएम ऑटो ब्लॉक्स के ही वीडियो पे था। इन्होंने एक अपने मित्र को भी टियागो दिलवाई थी एसएस मोटोजेन धनबाद से, और उनके ही वीडियो देखने के बाद में, उसका रिव्यू एनवीएच वाला जो वीडियो आता है वाइब्रेशन वगैरह वाला, वो वीडियो देखने के बाद में मैंने सर्च को फुल स्टॉप कर दिया वहाँ पे कि अब कोई सर्च नहीं करना है, अब शोरूम चलना है, गाड़ी खरीदना है। और एक बार बुलाने पर तुरंत में वहाँ से रामगढ़ से भागलपुर आना, ये किसी भी कीमत में कोई आसान बात नहीं है। कोविड-19 का है माहौल और हर जगह चेकिंग वगैरह चलती है, तो ये कार से स्पेशली मेरे लिए आए हैं, इसके लिए हर हमेशा आपका आभारी रहेंगे। और हम सबको बोलना भी चाहेंगे कि चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जेन्युइन चीज़ लोगों को पता चले। मेरा कोई गाड़ी का अपना कोई बहुत ज़्यादा दिन का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो भी एक्सपीरियंस मुझे मिला, मैंने अच्छा हो या बुरा हो, हर चीज़ आपके सामने इस चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। अपना एक्सपीरियंस अगर आप बताना चाहते हैं तो सर का इंस्टाग्राम आईडी है, आप वहाँ पे जा करके सर को मैसेज कीजिए। मैसेज करने के बाद में सर आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। आप मैसेज कीजिएगा, और ऐसा नहीं कि वो आपको 4-5 दिन के बाद रिप्लाई आता है, रिप्लाई आपको तुरंत मिलेगा, आपसे तुरंत बात होगी। मेरा मुलाकात इनसे 1 महीना पहले बात हो रही थी और आज तक डेली इनसे कुछ ना कुछ व्हाट्सएप पे गाड़ी के बारे में ही कुछ ना कुछ फोटो वोटो मैं इनको भेजते रहता हूँ। मेहनत कर रहे हैं और हम भी चाहेंगे कि अगर आप लोग के पास में अपना गाड़ी है और आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो सर से आप कॉन्टैक्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा प्रमोशन मोहित जी कर दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज तक मैंने अपने चैनल में खुद से कभी ये नहीं कहा है कि आप मेरे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसको शेयर करिए। मेरा जो काम है उस काम को आज मोहित जी बता रहे हैं, तो इनके कहे को आप इग्नोर मत करिएगा। आज मैं खुद भी कह रहा हूं कि अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसको शेयर भी करिएगा ताकि ये जो नॉलेजेबल वीडियो है वो ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे और उनको आसानी हो जब वो नई कार को खरीदे। और फिलहाल में हम लोग वीडियो को यहाँ पर रोकते हैं और काफ़ी शाम भी हो रही है और हम लोग को वापस भी जाना है, तो जल्दी में चलिए इस कार को चला करके देखते हैं कि इस कार में क्या हम ऑब्जर्व करते हैं। बहुत सारा कंट्रोवर्सी किया जाता है कि टाटा की गाड़ियों में NVH वगैरह बहुत ज़्यादा है, हालांकि हमने टाटा टियागो का वीडियो फुल रिव्यू BS6 का कर रखा है, उसमें सारा चीज़ हमने डिटेल में बता रखा है। अगर उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हम आई बटन में दे देंगे, आप उसको देख सकते हैं। फिलहाल में इस कार को चलिए चलाते हैं। उसका बार बार ही बूढ़ी का बाल नीचे गिर जाता है, तो एक बार चलिए कार को स्टार्ट कर लेते हैं और देखिए कि इसमें कार को स्टार्ट करने समय कितनी नॉइज केबिन के अंदर में आती है, आप महसूस करिएगा और वाइब्रेशन को भी आप महसूस करिएगा। कार स्टार्ट हो चुकी है, कोई वाइब्रेशन नहीं, मतलब आप देख के पता नहीं कर सकते हैं, जब आप टच करेंगे तो भी पता नहीं चलेगा, बहुत माइनर वैसा कुछ नहीं पता चल रहा। आप कार के किसी भी भाग को टच करिएगा और इंजन स्टार्ट है तो कोई भी कार हो उस भाग में वाइब्रेटिंग सेंसेशन थोड़ा सा आपको फील जरूर होगा, वो आपको टियागो में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक्स्ट्रा वाइब्रेशन नहीं है किसी तरह का, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हम लोग केबिन के अंदर में है, शीशा हमने बंद कर रखा है, पसीने को आप देख सकते हैं। चलिए चलाना शुरू करते हैं, फर्स्ट गियर में हमने कार को डाल दिया है, काफ़ी इजीली जो है कार उठ जाती है, फिट एंड फिनिश में इम्प्रूवमेंट आप देख सकते हैं। स्टेयरिंग का जो फीडबैक है उसमें आप इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं BS4 की तुलना में, और ये देख सकते हैं किस तरह की सड़क है। अभी हम लोग हाईवे में आ चुके हैं, देखिए इतना बड़ा ब्रेकर है,
बहुत ही शानदार सस्पेंशन का ट्यूनअप आपको देखने को मिलता है। ऊपर चढ़ना है, किधर से चले? इधर से चलना है, इधर से। देखिए, अक्सर इस तरह की गांवों में बड़ी बड़ी ठोकरें आपको देखने को मिलेंगी। आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से इतने बड़े ठोकर से कार आसानी से निकल रही है। चलिए, यहां पर थोड़ी सी खुली सड़क है, मैंने थर्ड गियर में डाला है। काफ़ी बढ़िया इंजन का रिस्पांस, चूँकि हम लोग कार में तीन जने बैठे हुए हैं, हालांकि गाड़ी फुल पैसेंजर के साथ में नहीं है। सामने से भी टियागो आ रही है। हाँ, और एक टियागो आ रही है। आजकल टियागो की थोड़ी अच्छी खासी डिमांड चल रही है, तो भारतीय सड़कों पर टियागो आप देख सकते हैं। चौथे गियर पर हमने कार को डाला है। तीन हजार आरपीएम के बाद हल्का हल्का सा आपको इंजन का जो क्लटरिंग साउंड है वो आपको सुनाई पड़ेगा, जो कि नॉर्मल है। 95% नॉइज, हार्शनेस और वाइब्रेशन जो है वो ख़त्म हो चुका है। 5% बचा हुआ है जो बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है, उसको इजीली आदमी इग्नोर कर सकता है। अक्सर हमारे झारखंड बिहार में सड़कें उतनी अच्छी नहीं मिलती हैं, तो मोहित जी से पूछेंगे कि ग्राउंड क्लियरेंस से आपको कभी कोई दिक्कत हुई है? नहीं, जहाँ अभी तो रिसेंटली जो अभी हम लोग जा रहे थे बेगूसराय, तो वहाँ पे भी रोड ख़राब था काफ़ी। मैंने कुछ कुछ दूर पे डाइवर्सन बन रहा था, तो ऑफ रोडिंग पे भी गाड़ी चलना पड़ता था रोड से नीचे उतर करके, तो वैसा आज तक कहीं सटा नहीं है। एक बार सिर्फ जरा से एक बार टच होने का आवाज आया था, एक बार आपका हस्टिया का एक बार हम लोग का ट्रिप बना था जाने का, तो बरसात पूरा पानी पड़ रहा था और गड्ढा बहुत ज्यादा बड़ा था और पता नहीं चला था, तो एक चक्का जब वो नीचे जब गया तो वो हल्का सा धक से आवाज किया था, वो सिर्फ बाद में पता चला कि वो चेसिस में जरा सा सटा है। ऐसे कभी नहीं, अब आप गाड़ी कुदा दीजिएगा खाई में तो ये सटेगा ही। गांव की जो सड़कें होती हैं उनमें भी आप बहुत इजीली इस कार को चला सकते हैं। और ये जो बड़ी बड़ी ट्रकों को आप देख रहे हैं, इस तरह की ट्रकें इस सड़क पर अक्सर चलती हैं, जिसके चलते सड़क भी काफी खराब है। आप देख सकते हैं जगह जगह जो है पैच लगा हुआ है सड़क खराब होने की वजह से, ब्रेकर भी बड़े बड़े हैं, और कार को काफ़ी इजली मैं चला पा रहा हूं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर फ्लाई ओवर है, मैं इसको थोड़ा सा रेस देने की कोशिश करता हूं। काफ़ी बढ़िया इंजन से रिस्पॉन्स आ रहा है। पावर लैग की समस्या आपको डेली लाइफ में नहीं आएगी। अगर आप खूब ज़्यादा एंथुजियास्ट हैं, आपको कार भगाना काफ़ी पसंद है, आप हमेशा एक्सेलेरेटर पर चढ़े रहते हैं, तो थोड़ी सी आपको पावर लैग की समस्या आ सकती है। वैसे आपको कभी भी इसकी कमी महसूस नहीं होगी अगर आप रिलैक्स ड्राइविंग करते हैं। तो मेरे जैसे ड्राइवर को तो सफिशियंट पावर है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। 80 की स्पीड पर मैं गाड़ी को चला रहा हूँ और ये आराम से 2200 RPM पर इतनी स्पीड ये चली जाती है, तो इस कार से आप बेहतरीन माइलेज ले सकते हैं। ये कार आपको आराम से 17, 18, 19 हाईवे में माइलेज दे देगी, और सिटी में तो आपकी बस की बात नहीं है, वो हमारे ऊपर निर्भर नहीं होता है, तो सिटी में आराम से ये 14, 15 की माइलेज तो दे ही देती है। पुरानी BS4 की जो गाड़ियाँ आती थी टियागो, उसमें दो ड्राइविंग मोड्स आते थे, एक सिटी और एक इको करके आती थी। BS6 में आपका सिटी और इको मोड को हटा दिया गया है और यह नॉर्मल कर दिया गया है। तो पहले क्या होता था कि वो एक तरह से फ़ायदा था, अगर जिनको माइलेज चाहिए तो वो इको मोड में डाल करके कार को चलाते थे, तो उनको माइलेज अच्छी मिल जाती थी, लेकिन अब वो सिस्टम BS6 में हटा दिया है। तो टियागो वाली जो फुल रिव्यू है BS6 वाली, उसके बाद बहुत सारे भाई लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि टियागो लेनी है, कैसी रहेगी। अभी हाल में टाटा की गाड़ियों में एक कॉमन समस्या देखी जा रही है कि इंजन लॉक होने की, हमने उस पर वीडियो भी बनाया था, तो बहुत सारे भाई लोग
डर रहे थे कि क्या लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, कुछ लोग बुक भी करवा चुके हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सभी गाड़ियों में नहीं आ रही है। गाड़ियों का जो सिक्योरिटी फीचर है, इंजन इमोबिलाइजर है, उसके चलते आ रहा है और उसका सॉल्यूशन भी है। तो इंजन लॉक होना मतलब कोई बीमारी नहीं है, उस गाड़ी की खराबी नहीं है। तो इस डर से कि इंजन लॉक हो जा रहा है तो आप गाड़ी को ना ले, ये कोई कारण नहीं है। अब निश्चित तौर पर जाइए, आप टियागो को लीजिए, नेक्सोन को लीजिए, अच्छी गाड़ियां हैं सभी। और मोहित जी से पूछेंगे कि अगर वो अपने फ्रेंड सर्कल, दोस्त रिश्तेदार किन्हीं को अगर नई कार खरीदना हो, उनको अपना रिकमेंडेशन देना हो, तो ये क्या सुझाव देंगे? जो भी अपना पसंद को शॉर्टलिस्ट करके रखे हुए हैं, चाहे जैसे वेगनार हो गया, स्विफ्ट हो गया या और भी गाड़ी है, तो एक ही चीज़ बस कहना चाहूँगा कि गाड़ी का जिस दिन आपको टेस्ट राइड लेना है, सारे गाड़ी का टेस्ट राइड एक ही दिन लें, ताकि आपको तुरंत में अंतर पता चल सके। और इस प्राइस रेंज में टियागो से बेहतर गाड़ी अभी कोई भी नहीं है मार्केट में इस रेंज में। अगर किन्हीं का बजट 6 लाख 6.5 लाख तक का है और उनको एक सेफ और बेहतरीन कार चाहिए, तो टियागो एक बढ़िया ऑप्शन है। हमारे जैसे यूट्यूबर किसी भी कार को 1 घंटा 2 घंटा चलाने के बाद उस कार के बारे में बहुत कुछ नहीं बता सकते हैं, इनिशियल जो इम्प्रेशन होता है उसी को हम बता सकते हैं। लेकिन एक जो जेन्युइन यूज़र होता है, जो अपनी कार को 2 साल 5 साल 7 साल चलाता है और उस कार को रख कर के वो जो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं वो जेन्युइन होता है और रियल होता है। इन्होंने काफ़ी कुछ कार के बारे में बताया है और आप लोगों को इस कार के बारे में बेहतरीन जानने का मौका मिला होगा। और अगर आप टियागो लेना चाहते हैं तो आपको डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय झारखंड, वंदे मातरम।